पुराने जमाने में शादी ब्याह और अन्य कार्यक्रमों में महिलाएं चूड़ियां भरवाती थी, जिस कारण चूड़ी बेचने वाले गांव कस्बे में घर घर में जाकर चूड़ियां बेचते थे, जिस कारण गांव के गलियों में चूड़ी ले लो कंगन ले लो आवाज गूंजती थी। लेकिन आधुनिक काल में अनेक महिलाएं ये दुकान से विविध प्रकार की चूड़ियां खरीदती है, लेकिन गाँव कस्बे में आज भी अनेक चूड़ी वाले घर घर जाकर चूड़ियां बेचते हैं। कलमेश्वर तहसील के ग्राम तेलगांव के 65 वर्षीय हमीद भाई पिछले 40 साल से आज भी गांव कस्बे में घर घर जाकर चूड़ियां बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले एक साल से कोरोना के कारण इस धंधे पर बुरा असर होने की जानकारी भी हमीद भाई ने दी है। बीसी न्यूज के लिए मौदा से संजय गिरडे की रिपोर्ट।